नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसको हम सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म से स्प्लिट करते हैं, या फिर धराचार्य लगाते हैं, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हैं। इन सब चीजों से इसको सॉल्व करते हैं और फाइनली हम जो आंसर निकालते हैं वो है क्या, वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। रूट्स ऑफ इक्वेशन का मतलब हुआ कि अगर उन वैल्यूज को हम इक्वेशन में डालेंगे तो मेरा फाइनल रिजल्ट जीरो हो जाता है, है ना। इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन पे जो क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। अब जो मेरे रूट्स होंगे उनके तीन नेचर हो सकते हैं। पहला, वो रियल हो सकते हैं, रियल एंड अनइक्वल, या रियल एंड इक्वल, या कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी रूट्स। ठीक, अब देखो हमने अभी पढ़ा था x की जो मेरी वैल्यू होती है वो होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, है ना। ये जो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है स्पेसिफिकली, इसको मैं d बोलता हूं और d की वैल्यू पे डिटरमाइन होता है कि मेरे जो रूट्स हैं वो किस टाइप के हैं। ठीक है, अगर d मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो मेरे रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल। ठीक, और अगर मेरा d जीरो है तो रियल एंड इक्वल, और अगर d लेस देन जीरो है तो मैं कहता हूं नो रियल रूट्स, या कह सकता हूं इमेजिनरी रूट्स। अगर मेरा d लेस देन जीरो हो जाएगा तो मतलब मेरा नंबर कैसा आएगा, b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, लेट से यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी मानो 4 आई, माइनस 4 रूट में आ जाएगा। माइनस तो कभी रूट में हमने देखा नहीं है। ये टाइप के क्वेश्चन जब भी ये माइनस रूट में आ जाता है तो जो मेरा नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसमें हम फिर आयोटा को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे 3 प्लस आई, 2 माइनस आई, इस तरह के रहते हैं। ठीक है, और हो सकता है रैशनल भी हो, रूट 2 माइनस आई, तो ये मेरे इरेशनल, अपना इरेशनल हो सकते हैं, बट अगर आई आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमारे कोर्स में नहीं है तो उसके डिटेल में हम जाएंगे नहीं। क्वेश्चंस में हमें क्या मिलेगा, डी की वैल्यू से हमें बताना होगा नेचर ऑफ रूट्स क्या है। कभी ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, कभी हमें इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल दे देंगे, लेट से के या कुछ, और कहेंगे रूट्स इक्वल है। इक्वल है मतलब आप डी इक्वल टू जीरो करो, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो, क्वेश्चन का के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, एक बार ये लिखो, फिर मैं तुम्हें कुछ इक्वेशंस दिखाऊंगा और उसके बेस पे जब अपन डी निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज, जो अगर अभी बाय चांस नहीं समझ में आई है या इसका प्रूफ नहीं समझ में आ रहा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे। अभी सिर्फ इतना समझना है, डी ग्रेटर देन जीरो पे रियल एंड अनइक्वल, डी इक्वल जीरो पे रियल एंड इक्वल, और डी लेस देन जीरो पे इमेजिनरी रूट्स। अब मानो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। ठीक है, एक इक्वेशन है, इसको अगर मैं वो करूंगा सॉल्व करता हूं तो ये x माइनस टू का होल स्क्वायर बन रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस टू इंटू टू इंटू एक्स, विच इज एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। तो इसके दो रूट्स क्या हो गए, टू और टू। क्या ये दोनों रूट्स रियल हैं, हाँ हैं। क्या ये दोनों रूट्स इक्वल हैं, हाँ हैं। और इक्वल पे तुम्हें d क्या मिलना चाहिए, जीरो। अपन d निकाल के देखते हैं क्या वैल्यू आती है। d इज b स्क्वायर माइनस फोर ए सी, रूट में नहीं, सिर्फ b स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, रूट के साथ नहीं, रूट में d आ जाता है। ठीक है, b स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम d बोलते हैं, रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम d नहीं बोलते। ठीक है, अब यहां से b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है, माइनस फोर का स्क्वायर हमने बताया था, साइन के साथ ही डालना है सब कुछ। अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, 16 माइनस 16, अरे जीरो आ गया। देखो इस इक्वेशन में हमने बोला कि रूट्स अपने इक्वल है, और जब हमने d की वैल्यू निकाली तो भी हमने देखा रूट्स इक्वल है क्योंकि d जीरो आ रहा है। सो इस एग्जांपल से मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि जब भी d जीरो होगा मतलब रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल है मतलब कि उनकी वैल्यू सेम होगी। इट कैन बी 2 2 5 5 माइनस 10 माइनस 10 2 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2 और व्हाटएवर इट इज, बट इट विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है, ये नोट करो। फिर एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें डी ग्रेटर देन जीरो है।
अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट में क्या, अभी हमने देख लिया रूट्स कब जीरो हैं, अब अपन देखते हैं रूट कब ग्रेटर देन जीरो। तो ऐसे ही अपन एक कोई सा भी इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। इसको अगर अपन फैक्टराइज करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिट व्लिट अपन ने सीखा था उसको कर लेंगे, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, इसके दो फैक्टर आ गए, राइट। तो दो रूट क्या आ गए, 2 और 3, बोथ ऑफ देम आर रियल एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल, राइट। 2 और 3 इक्वल तो है नहीं। अब अपन इसका डी निकाल के एनालिसिस करते हैं, डी की वैल्यू क्या आएगी, डी क्या होता है, -b² सो -5² -4 इंटू ए इंटू सी, तो ये क्या हो गया, 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1। सो अब 1 जो है वो तो ग्रेटर देन 0 है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में जब हमारे पास डी ग्रेटर देन 0 है तो मेरे जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है, राइट। अनदर एग्जांपल आई कैन टेक x² + 4x - 6, ठीक है। अब इस एग्जांपल में डी की वैल्यू, इसके रूट्स ढूंढो, ढूंढ ही नहीं पाओगे, अगर धराचारे लगाओगे तो नेगेटिव में आएगा, इनफैक्ट +6 कर लो। अब इसके अगर डी की वैल्यू मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, 4² - 4 × 6 × 1, इट विल बिकम 16 - 24 = -8। अब इसका जो रूट आएगा तुम्हें एक्स मिलेगा माइनस बी, तो अगर धराचार्य फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस अब जब मैंने धराचार्य फॉर्मूला लगाया इसमें मेरे को मिला -4 + -√-8/2। अब इसमें रूट में माइनस है तो मतलब ये जो मेरा नंबर है ये इसके रूट्स जो है वो इमेजिनरी रूट्स है, राइट। ये रियल रूट्स है नहीं, रूट में नेगेटिव है। सो जब भी मेरा डी लेस देन जीरो हो जाएगा इन दैट केस मेरे रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2x² + kx + 3 has real and equal roots, find value of k। मैं सॉल्व भी साथ साथ में कर लेता हूँ। अगर ये रियल एंड इक्वल रूट है मतलब कि मैं कह सकता हूँ जो मेरा डी होगा डी विल बी इक्वल टू जीरो, और डी की वैल्यू क्या होती है। हाँ, अब ये क्वेश्चन था हमारे पास 2x² + kx + 3 = 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्योंकि मुझे डी दिया हुआ है इक्वल टू जीरो है, because they are telling me that the roots are real and equal, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे b² - 4ac b² - 4ac = 0 कर दूंगा। b की वैल्यू क्या है, k² - 4 × 3 × 2 will be equal to 0। अब क्या हो जाएगा, k² will be equal to 4 × 3 = 24 आ गया, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, प्लस माइनस √24 विल बी 2√6। तो इस तरह से ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है k + 4x² + k + 1 x + x = 0 बोल रहा है, और बोल रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, फाइंड वैल्यू ऑफ k। अगर k निकालना है, रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो अगेन वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, b² - 4ac = 0। बी यहाँ पे क्या है, k + 1² - 4 × a = k + 4 और c तो 1 ही है = 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो हो गया k² + 1 + 2k - 4k - 16 = 0, ठीक। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, k² - 2k - 15 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन रही है, दिख रहा है कि इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, तो स्प्लिट करके देखते हैं, k² - 5k, वो अपन मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, वो आई एम अज्यूमिंग कि अभी तक तुम सीख चुके होगे, नहीं सीखा तो मेरी वीडियो देख लो। और अब इसमें से k कॉमन निकाल लेंगे, k - 5 + 3 k - 5, अब दो रूट्स मेरे क्या हो गए यहाँ पे = 0, दो रूट्स मेरे यहाँ पे हो गए k + 3 और
k minus 5 equal to 0. So the roots will become minus 3 and 5. Simple सा question है, सीधा सीधा करा, answer आ गया. ये question आप लोग खुद करिए, दे रखा है मैं question में कि kx square plus 1 minus 2 into k minus 1 x plus x square is equal to 0. हमें दे रखा है roots are equal. I have to find value of k and then find roots. कभी कभी question में ना ये भी आ जाता है और ये अपन miss कर जाते हैं because हम and तो पढ़ते ही नहीं है. तो please make sure you read the complete question. काफी बार हम question पूरा देखते नहीं और answer करने में जल्दी जल्दी में एक ही part solve करते हैं. उसमें भी मैंने कई बच्चों के marks जाते देखा. So we'll not hurry up. We'll be very cautious in the exams. तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के माइनस वन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो. इक्वेशन हैज रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स. वंस यू हैव फाउंड के आल्सो फाइंड द रूट्स. ठीक है, तो के को पुट करेंगे फिर इक्वेशन बनेगी, फिर उसके रूट्स निकालेंगे. करके देखो आप लोग. क्वेश्चन में हमें जो भी एक्स स्क्वायर वाले चीजें हैं वो एक्स स्क्वायर का एक साथ रखो, जो भी एक्स वाली है उसको एक साथ रखो, जो भी कांस्टेंट है उसको अलग रखो. क्योंकि ए बी सी क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है, बी एक्स का कोफिशियंट होता है, सी कांस्टेंट होता है. तो यू हैव टू फर्स्ट फाइंड ए बी सी. अब इस क्वेश्चन में अगर एक्स स्क्वायर और ये सब अलग अलग कर दिया है, मर्ज करो, ए बी और सी निकालो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लो. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दिया हुआ है डी इज इक्वल टू जीरो, तो वो कर लेते हैं. डी इज इक्वल टू जीरो बी स्क्वायर. पहले तो इसको अरेंज करना पड़ेगा, ए बी सी निकालने पड़ेंगे. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ था, करेक्ट. इसको थोड़ा रीअरेंजमेंट करते हैं, एक्स स्क्वायर को यहाँ से उठाते हैं और इसके पास रख देते हैं, कॉन्स्टेंट को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ अलग से रख देते हैं, राइट. अब ये ए बी अभी भी एबीसी नहीं आया, उसको बनाने के लिए क्या कर लो, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो. तो तुम्हें क्या मिलेगा, के प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू के माइनस वन एक्स प्लस वन. अब ये डी वाले फॉर्म में आ गया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाले फॉर्म में. अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ टू के माइनस वन इस पूरे का होल स्क्वायर, करेक्ट, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू के प्लस वन, ये इज इक्वल टू जीरो है. अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस ये तो फोर हो जाएगा, माइनस टू का फोर हो जाएगा और के माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के, ठीक है, और माइनस आ जाएगा फोर के, माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो. इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा फोर के स्क्वायर प्लस फोर माइनस एट के माइनस फोर के माइनस फोर इक्वल टू जीरो. अब देखो यहाँ पे फोर के और ये हो जाएगा फोर इंटू के स्क्वायर माइनस ट्वेल्व के, और फोर और माइनस फोर कट जाएगा इक्वल टू जीरो. कभी भी इसमें ये मत कर देना कि ट्वेल्व के उधर ले गए, के काट दिया, दूसरे के की वैल्यू आ गई थ्री, क्योंकि उसमें आप एक जीरो को एलिमिनेट कर देते हो. तो आप क्या करो, कॉमन ले लो जो भी कॉमन आ रहा है. अब बचा क्या ये, अब दो जीरो क्या है, के इज इक्वल टू जीरो एंड दूसरा आ गया के इज इक्वल टू थ्री. ये मेरे अभी दो जीरो आ गए. अब देखो दो के की वैल्यू आ गई. अगर मैं के इज इक्वल टू जीरो कंसिडर करता हूं और के इज इक्वल टू जीरो को यहां पे पुट कर देता हूं, तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, के को जीरो डाल दिया तो मिला मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस एक्स, तो प्लस टू एक्स हो जाएगा, राइट, और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये आ रहा है, ठीक है. अब इस क्वेश्चन में जब हमने ये कर लिया, ये मेरे पास आ गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर पावर टू इज इक्वल टू जीरो. तो एक्स की दो वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन और माइनस वन. फिर जब मैं के को थ्री डालता हूं तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ इक्वेशन, के प्लस वन थ्री प्लस वन फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू, थ्री माइनस वन इज टू, टू इंटू टू इज फोर एक्स, माइनस फोर एक्स
और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आप देखो ये एक्चुअली में फॉर्मूला है 2x-1 के होल स्क्वायर का इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2 एंड 1/2। तो इस हिसाब से हम दोनों केस के लिए दो अलग अलग x की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x-a × x-b प्लस x-b × x-c प्लस x-c × x-a इज इक्वल टू जीरो। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, ये इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स आर रियल बट दे आर इक्वल ओनली एंड ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ये हमें प्रूव करना है कि रूट्स जो है वो इक्वल तब होंगे जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होगा। अब इस क्वेश्चन को पहले तो तुम एक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाओ करके देखो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, पहले वाला ब्रैकेट खोला, फिर होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी, फिर होगा प्लस एक्स स्क्वायर राइट माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब इनको कंबाइन कर लेते हैं तो देखो क्या आ रहा है, 3x² माइनस ए प्लस माइनस इनफैक्ट 2 हो जाएगा, 2 ए प्लस बी प्लस सी, मैंने सबको कंबाइन कर लिया, x प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने जब पूरी इक्वेशन को रीफॉर्मेट कर लिया तो ये आ गया। अब मुझे बोल रहा है कि रूट्स जो है वो रियल तो है बट दे विल बी इक्वल ओनली एंड ओनली व्हेन x इज इक्वल व्हेन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होगा। तो वो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, d की वैल्यू निकालता हूँ, d की वैल्यू b² - 4ac है, b क्या है मेरे पास ये, तो मैं इसको रखता हूँ और इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ मैं पावर 2 कर देता हूँ, माइनस 4 × 3 करेक्ट, a 3 है इंटू सी, सी इज वॉट दिस होल थिंग, तो ये रख देते हैं। अब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, अभी इसको जीरो के इक्वल नहीं कर रहे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपने को पता है क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, और माइनस क्या आ रहा है, 12ab - 12bc - 12ca, ये आ गया। इक्वल टू करा 4, वापस अब सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, 4a² + 4b² + 4c² + 8ab + 8bc + 8ca। ठीक है, यहाँ पे c है और यहाँ पे माइनस आ गया ऊपर से ये पूरा का पूरा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये तो यही रहा 4a² + 4b² + 4c² - बचा 4ab - 4bc - 4ca। ठीक, अब अगर d देखो, अगर ये ग्रेटर इसको अब फर्दर सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर देता हूँ, ब्रेक करके मुझे मिलेगा। अब मैंने 4 कॉमन ले लिया, मेरे पास ये आ गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, 4 को बाहर रहने दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, एक 2 अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2a² + 2b² + 2c² - 2ab - 2bc - 2ca। अब इनको रीग्रुप कर लो तो क्या मिलेगा, 2 एक a स्क्वायर को अलग कर दो, ठीक है, एक b स्क्वायर को अलग कर दो और -2ab के साथ क्लब कर दो। ठीक है, ऐसे ही फिर लिखो प्लस, फिर एक a स्क्वायर को अलग कर दो, एक c स्क्वायर को अलग कर दो राइट, और -2ac इसके साथ क्लब कर दो, फिर तीसरे को एक बी स्क्वायर बचा वो अलग कर दिया, एक सी स्क्वायर बचा वो अलग कर दिया और -2bc को एक साथ कर दिया राइट, यहाँ पे भी 2ac है। और अब क्या करा, इसकी वैल्यू ढूंढते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये 2 ब्रैकेट में a - b² करेक्ट प्लस ब्रैकेट में b - c² प्लस ब्रैकेट में c - a होल पावर 2 दिस इज इक्वल। अब देखो
अब अगर टू तो पॉजिटिव है, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, क्योंकि तीनों स्क्वायर के सम है तो ये भी पॉजिटिव है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पूरी चीज है वो तो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये रियल रूट्स तो हैं, बिकॉज टू इज पॉजिटिव एज वेल एज ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए के स्क्वायर अगर सम हो रहे हैं तो पॉजिटिव ही होंगे, स्क्वायर का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मिनिमम जीरो हो सकता है बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, तो दिस विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव. अब फॉर देम टू बी जीरो, क्योंकि ए माइनस बी भी स्क्वायर है, बी माइनस सी भी स्क्वायर है और सी माइनस ए भी स्क्वायर है, फॉर देम टू बी जीरो, जीरो कब हो सकता है? जब ए माइनस बी जीरो हो, बी माइनस सी जीरो हो और सी माइनस ए जीरो. ओनली एंड ओनली इन दैट सर्कमस्टेंस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल सी माइनस ए होल स्क्वायर विल बी जीरो. सो आई कैन से दिस कैन हैपन ओनली वेन ए माइनस बी इज जीरो, दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, एंड बी माइनस सी इज जीरो, दैट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी, एंड सी माइनस ए इज जीरो, दैट इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू ए. अब फ्रॉम ऑल दीज थ्री क्वेश्चन यू कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यही हमें प्रूव करना था. इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ पी फॉर विच इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 2 पी इज इक्वल टू जीरो विल बोथ हैव रियल रूट्स. फाइंड द पी फॉर विच दीज इक्वेशंस विल हैव रियल रूट्स. ठीक है, अब देखो रियल रूट्स में इक्वल रूट्स भी आते हैं. रियल रूट्स मतलब कोई वैल्यू होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए. तो अगर कभी तुम्हें सिर्फ रियल, या तो अगर बोले रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स तो तुम डी ग्रेटर देन जीरो लेना, अगर तुम्हें बोले रियल एंड इक्वल रूट्स तो डी इज इक्वल टू जीरो लेना, अगर तुम्हें रियल बोले सिर्फ और कुछ ना स्पेसिफाई करे तो तुम डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेना. ठीक है, अब इस केस में क्या है, दोनों के रियल और इक्वल रूट्स हैं तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा. पहला कंडीशन देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लगाते हैं, बी क्या हो जाएगा, फोर पी स्क्वायर माइनस फोर इंटू 64 इज इक्वल टू जीरो. अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं कह सकता हूँ पी स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू 64 हो जाएगा, पी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 8, राइट, प्लस या माइनस नहीं, इनफैक्ट ये रियल रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डालेंगे, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो डालेंगे तो मेरी पी की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 8. इनफैक्ट इसको सॉल्व करने के लिए तुम ऐसे मत करो, बस ये लास्ट स्टेप में क्या कर लो, पी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हो तो प्लस माइनस, इसमें कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज का फंडा लगता है, वो तुम बाद में नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, अभी वो फंडा अपन लगा नहीं रहे, अभी बस ये समझ लेते हैं पी ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 8 होगा. ठीक है, नेक्स्ट केस में भी डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. अब बी क्या है वहां पे 64, बी स्क्वायर इज 8, 8 स्क्वायर इज माइनस 8, माइनस 8 स्क्वायर इज 64, माइनस 2 इंटू 2p, सो बिकम्स 4p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, सो आई कैन से 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4p एंड आई कैन से 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू p. अब एक जगह मैं बोल रहा हूँ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 या माइनस 8, एक जगह मैं बोल रहा हूँ 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू p फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहली इक्वेशन ऊपर वाली दूसरी इक्वेशन नीचे वाली है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई कैन से दैट पी विल बी इक्वल टू 8, सिर्फ और सिर्फ तभी ये वैलिड रहेगा. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, पहली इक्वेशन बोल रही है पी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8 होनी चाहिए, प्लस और माइनस 8. ठीक है, दूसरी वैल्यू कह रही है पी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 8 होनी चाहिए, दोनों में 8 कॉमन है, पी कह रहा है 8 से बड़ा, दूसरा पी कह रहा है 8 से छोटा, 8 या 8 से छोटा, एक कह रहा है 8 या 8 से बड़ा, दोनों में कॉमन क्या है, पी इज इक्वल टू 8, सो माय आंसर विल बिकम पी इज इक्वल. एक चीज और समझ लो, जब भी ये ऐसा होता है ना कि पी ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 8 हो रहा है तो तुम कहोगे कि ये इस तरह से, इसको इस तरह से लिखना, डिटेल में मैं अपन इसको नेक्स्ट ईयर पढ़ लेंगे, बट
अभी इसको लिखना किस तरह से है वो देख लो। ये हो जाएगा माइनस एट से पी है लेस देन इक्वल टू एट तक, ठीक है। जब भी हमारा प्लस माइनस इंट्रोड्यूस होता है तो हम कह देंगे पी वैल्यू लाई कर रही है बिटवीन माइनस एट टू एट। अब एक इक्वेशन में बोल रहा है पी की वैल्यू एट से कम है, दूसरे में भी बोल रहा है पी की वैल्यू एट से कम है, एट या उससे कम है, दोनों में कॉमन क्या वाला पार्ट बचा, एट, तो वो कर लो। या फिर तुम इस तरह से समझ लो कि जब भी स्क्वायर आए अभी इन टेंथ तुम सिर्फ उसमें ए की वैल्यू लो विच इज पी ग्रेटर देन इक्वल टू एट, ठीक है, वही वाली एक वैल्यू ले लो तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें आ रहा है पी ग्रेटर देन इक्वल टू एट, इसमें आ रहा है पी लेस देन इक्वल टू एट, दोनों में एट ही कॉमन है तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा पी इज इक्वल टू एट। ये वाला पार्ट तुम छोड़ दो अभी के लिए, बस इतना समझो कि अगर स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल टू 64 है तो पी की वैल्यू पॉजिटिव वाली लो, नेगेटिव छोड़ दो। दूसरे केस में पहले में आ गया पी 8 से बड़ा है, दूसरे में आ गया पी 8 या 8 से छोटा है, दोनों में कॉमन क्या हो गया 8। सो दैट इज व्हाट यू विल डू। के साथ अपना ये नेचर ऑफ रूट्स वाला पार्ट खत्म हो गया। इसमें जो क्वेश्चन हमने करे वही सबसे इम्पोर्टेंट है, वो वाले ढंग से देख लेना। आर एस अग्रवाल से तुम एक्सरसाइज सी है शायद ये, नो आईडिया, एंड देन उसके डी है वो कर लेना, एंड उसके बाद तुम लोग को नेक्स्ट कराएंगे।